हापू सिंह ने है ना विभूति को और कच्चे बनियान तिवारी को अरेस्ट कर लिया है, वो भी एटीएम लूटने के जुर्म में। अब क्या इरादा है भाभी जी? आपको जेल से भगाना होगा। और वो कैसे होगा भाभी जी? 420 नंबर है ना, उसमें तो मैंने सुरंग की खुदाई शुरू की थी, आज पूरी हो गई है। वाह, जेल में सुरंग, सुरंग के रास्ते फरहार हो जाओ। अच्छा बापू सिंह जी, ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद कीजिए, बोलिए जरा ड्राइवर को कि वो गाड़ी जल्दी से चलाए। हाँ वाओ भैया, वो जल्दी चला यार। अरे बाहर तो निकालिए, आए राम आए मर गया आए। हाँ वो जेल से बाहर आ गया तिवारी जी, ये सन कितना तेज लग रहा है ना, आंखों आंखें नहीं खुल रही है भाई। कौन? अरे ज्यादा चीची आई है मत, और थोड़ा और धीरे बोलिए कि पुलिस वालों ने दोबारा सुन लिया तो हम फिर से अंदर कर देंगे। अरे तिवारी जी, हम जेल से 5 किलोमीटर दूर हैं। 5 किलोमीटर, व्हाट आर यू टॉकिंग? इतनी लंबी सुरंग थी, से घिसट घिसट के बाहर निकले, में तो घुटने जो छिल गए। बाहर तो आ गए कम से कम यार तिवारी जी, आप ना एकदम ना शुक्र हैं। थैंक गॉड। धीरे तो बोलिए यार। चलिए अनवर भाभी, अब चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा होगा, बेचारे बड़े परेशान होंगे। चल चलिए चलिए जल्दी चलिए। आइए खड़े होइए, मर गया, खड़े होइए। तिवारी जी भागते 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 बैंड बच गई भाई का, हमारे तो गुर्दे मुंह को आ गए भगवती जी। अरे पिकार में फंस गए, सोचा था 2-2 लाख मिल जाएंगे, लाइफ सेट हो जाएगी। दो घुइयां भी हाथ ना आई, ऊपर से जेल अलग से जाना पड़ गया। हाय हेलो डैडू, बेकार है तुम दोनों के ऊपर, बेकार है। अरे वहां पर वो दोनों मासूम बच्चियां जेल में फंसी हुई हैं, मुसीबत में हैं, और तुम लोग यहाँ पर खड़े खड़े दोनों लौंडे पंचायत कर रहे हो, वाह। ओ महाराज, अरे यार तुम और इतने क्या कर रहे? क्या कर रहे मतलब, कांट यू सी कि हम जेल से भाग के आ रहे हैं? तो बता ना सकते कि जेल से भागने को मन कर रहा है? ओ जेल में क्या, हमको उन्होंने सैटेलाइट फोन दिया हुआ था, लैपटॉप दिया हुआ था, ताकि हम बाहर के लोगों से कॉन्टेक्ट रख सकें, आदि से VVIP से बातें कर सकें। स्टूपिड। अरे वो सब तो ठीक है, ये बताइए कि अंगूरी और भाभी जी जेल कैसे पहुंच गई? अरे यार क्या बताएं, भी तुम दोनों को छुड़ाने के चक्कर में खुद जेल चली गई। अपू सिंह के बच्चे, तूने अनु और भाभी जी को जेल कैसे भेज दिया? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे महाराज, अरे क्या कर रहे यार, जो हमने अपनी मर्जी से कछु ना करो यार। वो तो गोरी मैम को आदेश है तो कि भैया हमें अंदर कर दो, लेकिन इन लोगों को छुड़वाने कैसे भी हम ना कर दो। देखिए अब कुछ भी करिए, भाभी जी और अंगूरी को जेल से बाहर निकालिए। जाइए जाके मिलिए इस ऑफिसर से और उसको आप सब कुछ सच सच बताइए। हाँ बाप को ऑफिसर ना। मैंने हाँ जा रही कर रहे कछु कर रहे, हमें तो खुद इतना अजीब सो लग रहा हो यार, गोरी मैम जेल चली गई। अरे दादा। अपू सिंह, अपने दादा मामा फूफा को याद करना बंद करो, समझे? और अगर तुमने उन दोनों बच्चियों को वहां से जेल से नहीं निकाला तो याद रखो, मैं खड़े खड़े तुम्हें तुम्हारी दादी याद दिला दूंगा। जी फ्री फंड में चिचिया रहे यार। चिचिया रहा हूं मैं? ना, ना। अगर वो दोनों बच्चियां बाहर नहीं आई ना अपू सिंह, तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगा झाकर कट्टे की झाड़ियों के पीछे, और उनमें से तुम्हारे चिचियाने की आवाजें नहीं आई ना तो मेरा भी नाम नहीं, ये मेरी गारंटी है। अंकल जी ऐसे मसले भी पाल रखे हैं? लौंडे वैसा कुछ नहीं है, झाड़ियों के पीछे ले जाके पेटी निकाल के पीटूंगा इसको मैं। अरे अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे दरोगा जी, जाइए ना जाइए ना। हाउ जा रहे यार, जाओ जाओ। अंकल जी नमस्ते, कम चिल्लाओ करो, इतना घबराहट होती है। अंकल जी बने? अरे लौंडे सुबह से बन ही तो रही है, और तो कुछ हो नहीं रहा। लेकिन अंकल जी अकेले बन रही है, अब हमारे साथ बने। दो पैग हम भी मार लेंगे,
क्या है कि बैठकर ठीक से प्लानिंग कर पाएंगे। हाँ, कुछ जाएगा अंदर तो कुछ आइडिया बाहर आएगा। चलिए, हम सही कह रहे हैं साहब, हमें गोरी मैम ने मजबूर करता हुआ तो बिचारती थी कि हम उन्हें जेल के अंदर कर दें, भाभी अंगूरी को अंदर कर दें, ताकि भी भैया विभूति और वो ससुर तिवारी की मदद करें, जेल से भगाने चाह रही थी। ओ, तो इतनी बड़ी क्राइम कॉन्स्पिरेसी में तुमने उन महिलाओं का साथ भी दिया। जो ना करो साहब, कसम से कह रहे हैं, मैं नौनो ठगिया है घर में, जो कहो रहो, जो कहो करो जो। अभी हुआ नहीं, अभी तो देखना होगा। अरे बहुरी लाल जी, ईमानदार बात कर रहा हूँ। अरे अभी अभी आपकी जेल में दो महिलाएं आई हैं, अंगूरी और अनीता। भाई अपनी मेट्रन को कहिए जरा उनकी जमकर खातिरदार दी कीजिए। हमने सुना है कि आपकी मेट्रन शायरी बहुत अच्छा करती है। अच्छा। अरे दादा, अब गोरी मैम को कहोगो? नाना साहब, हमाओ मतलब इस तरह हमाओ कहोगो? अरे दादा। अरे डॉक्टर साहब आ गए यार। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब। भाई लड़को, तुम्हारी इस गंभीर बीमारी का इलाज तंत्र मंत्र में भी नहीं। हाँ, मैंने दवा का पता लगाया है, वो दवा मैं तुम्हें लिख के देता हूँ। एक गोली सुबह उठने के पहले और एक गोली रात को सोने के बाद ले लेना, बीमारी में जल्दी असर होगा। अरे ये क्या बात हुई, एक गोली सुबह उठने से पहले का सपने में लेकर गोली? और डॉक्टर साहब एक बात और बताओ, सोने के बाद कोई आदमी गोली कैसा ले सकता है? अब वो तुम देख लो भाई, मेरा काम है दवा लिख कर देना, वो मैंने लिख दिया है ना। और वैसे भी मैं दवा चम्मच में घोल के तुम्हारे मुंह में तो डालूंगा नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी तरह से हमने वो दवा ले भी ली, ये बताओ कि हम कब तक ठीक हो जाएंगे? अब कम से कम 6 महीने तो लग ही जाएंगे। 6 महीने? इतने ज्यादा दिन लगेंगे? अरे हाँ हाँ, दवा है, अब कोई छोरियां थोड़ी है कि तुमने इधर छोरियों को छेड़ा और उधर जूतों से पिट गए। भाई दवा है, अब खाओगे धीरे धीरे ये असर करेगी ना। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन ये बात बताओ कि दवाई कितने की आएगी? हाँ, एक गोली करीब 500 रुपए की है, तुम तीनों को रोज 3000 रुपए की गोली खानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब आप भी कमाल कर रहे हो, आप हम तीनों की हालत तो जानो, यहाँ पर एक लेमन की टॉफी चूसने के लिए हमारे गुर्दे लाल हो जावे और आप 500 रुपए की गोली खरीदने की बात कर रहे हो। तो भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अब यही तुम्हारी बीमारी की एक दवा है जो मैं तुम्हें लिख कर दे रहा हूँ, उसे खाना तो पड़ेगा ना। तो डॉक्टर साहब ये दवाई भी तो बहुत महंगी है, ये इतनी महंगी क्यों है? अब ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो, दवाई बनाने वाली कंपनी से पूछो जाकर। अच्छा लाओ फिर दो उनका नंबर, अभी टेलीफोन कर लेते हैं उनको। मेरे बाप की फैक्ट्री नहीं है जो मैं उसकी कुंडली जेब में रख के घूमू, मुझे जो काम करना है तो मैंने कर दिया है, अब ये तुम दवा खरीद कर खाओ ना खाओ मुझे कोई मतलब नहीं, और वैसे भी मेरा क्लिनिक पे जाने का टाइम हो गया, पकड़ो। दवाइयाँ इतनी महंगी क्यों है? डॉक्टर साहब बात तो, हेलो हेलो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब तेरी सकीना क्या बोलेगी, उसके मुंह में सुभानी नहीं है। ओ लौंडो, तुम दोनों कान खोल के सुन लो, ये जेल है जेल, यहाँ पर कोई बदतमीजी की ना तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी जेल में सजा काटनी पड़ेगी, समझे तुम लोग? अंकल जी ये बात समझो अपने लाडले दामाद जी को, ये फपलते हैं। मत कीजिए, फपलने की आदत आपको है हमें नहीं है। वो शराब यार फपलू। अरे यार प्यारा पपलू बेसिकली। सकीना रुबीना, तू तो बुड्ढी बहुत ही तेज है, मैं जुबीना को देख। अरे अनीता जी लड्डू के भैया और प्रभुति जी तो कहीं दिखाई ना ही दे रहे हमको, पता नहीं कहाँ चले गए। मोहतरमा, आपने दो आदमियों को इस तरफ आते हुए देखा है क्या? अड्डू अड्डू
मेरे भू करो मंगनी, गलत फहमी हो रही है। आइडिया टुकी भैया, अंगूरी वाले टुकी भैया, अंगूरी बेबी, अरे बस करो अंगूरी, मेरी बच्ची। ओ डैडू, मेरी बच्ची। डैडू, हाय मेरी बच्ची, कहाँ खड़ी है मेरी बच्ची? ओ डैडू देखिए कहाँ है, हाय मेरी बच्ची। अरे बस करो ना, क्या बच्ची बच्ची, आगे बढ़ो। ठीक है मेरी बच्ची। अरे जगह पे आगे बढ़ो यार, जहाँ खड़े वहीं से आगे बढ़ो यार। सकीना प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकालो ना, हमारी तो यहाँ हालत खराब हो गई है। कहाँ बताएं हाँ वो जो मेट्रो है ना, बहुत बहुत परेशान करती है हमको। अभी जो मेट्रन होता है, सही पकड़े हैं। उस मेट्रन ने हमें अपनी घटिया शायरी सुना सुना कर हमारा भेजा खराब कर दिया। अगर हम यहाँ से बाहर नहीं निकले ना तो मैं तो उस मेट्रन को खून करके फांसी पे लटक जाऊंगी। नहीं भाभी जी, हम आपको फांसी पर नहीं लटकने देंगे, बल्कि हम फांसी पर लटक जाएंगे, आपको नहीं लटकने देंगे। धर्मी अनुमान थे, तुम्हें जेल में आने की क्या जरूरत थी? Why? अरे क्योंकि हमें पता लगा कि यहाँ एक सुरंग है जो लेडीज बैरिक से होते हुए जेंट्स बैरिक तक जा रही है। हाँ, और उस सुरंग से भागना तभी मुमकिन था जब हम आप लोगों के साथ होते। जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि वो सुरंग बंद हो गई है, लेकिन आप लोग कैसे बाहर निकले? सुरंग से। चाबी देखने देखना, मेरा कच्ची चोर है, पता नहीं कहाँ कहाँ पकड़ता मालूम नहीं। मेरा तो कांड होता है। प्लीज हमें यहाँ से निकालो भाभी। हम आपको मतलब आपको अंगूरी को बाहर निकालने के लिए इतनी जान तक दे सकते हैं, जान तक दे सकते हैं। बकवास बंद कर कच्चा बनियान, जान दे सकते हैं, जान तो देना आप भी, जान देता वेता है नहीं, खाली बोलता रहता, जान दे सकते हैं, क्या मतलब जान दे सकते हैं? कोई आया नहीं? तौबा। लौंडे, मुझे तेरे पे और इस कच्चे बनियान पे इतना गुस्सा आ रहा है ना, इतना गुस्सा आ रहा है कि पूछो मत। मतलब तुम लोगों को नोट कमाने की इतनी खुजली है, इतनी खुजली है तुम दोनों को? अंकल जी, नोट कमाने की खुजली किसे नहीं है, आपको नहीं खुजली नोट कमाने की? खुजला खुजला के जख्म कर दिया आपने, है ना? खुजली है मुझे, खुजली किसको नहीं होती, लेकिन लौंडे मेरी खुजली थोड़ी सी अलग है। जानता हूं। आपकी खुजली लोगों के गुर्दों में उंगली करने की है। मतलब मैं लोगों के गुर्दों में उंगली करता रहता हूं? जी। सही कह रहा है, कच्चे बजान एक तरह से बिल्कुल सही कह रहा है। तेरी बचपन से यही आदत है, यही खुजली है, जो मिल जाए सरे रहा रास्ते में चलते फिरते, जो मिल जाए उसको बस उंगली करो, उसके गुर्दों में उंगली करो। तूने आज मुझे मेरा सही चेहरा दिखा दिया, इधर है बच्चे, पे गले लग जाए बच्चा। बदतमीज आदमी, अपने सर की जुएं निकालने की बजाय एक शेर के मुंह में उंगली कर रहा है तू, एक शेर के मुंह में। अंकल जी, इस आदमी की यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है इस आदमी की। अंकल जी, मैं आपसे ना
आपसे ना बहुत गुस्सा हूँ भाई, बहुत गुस्सा। क्यों अंकल जी, आपने एक इतनी स्वीट सी, इतनी भोली वाली लड़की को इस सियार के हाथ बांध दिया। आई मीन लुक एट हिम, कोई कंपैरिजन ही नहीं है अंकल जी। क्या किया आप, ये क्या वाहियात टाइप की बातें कर रहे हैं आप? भाभी जी जेल में, उन्हें बाहर निकालने की युक्ति सुझाने के बजाय आप इनके साथ लगे हुए हैं। देखो कितना अच्छा है मेरा दामाद, मेरा कच्चा बनियान। कितनी फिगर है उसको भाभी जी की। इधर आ जा, इधर आ बेटा, ये तेरा भाभी जी की फिक्र है, वो जेल में बैठी है और तेरी लुगाई यानी कि मेरी बच्ची वहां घुइयां छील रही है। हाँ, वो जेल में नहीं है। अरे तो उसके लिए प्रयास कर तो रहे हैं। यहाँ बैठा दारू पी रहा है तू। क्या प्रयास कर रहा है? प्रयास कर रहे हैं, बता ना, बता कौन सा प्रयास कर रहा है। अंकल जी रिलैक्स, काम डाउन, टेक अ चिल पिल। अरे बेटा, मेरी फूल जैसी बच्ची वहां जेल में पड़ी है और तू कहता रिलैक्स रिलैक्स, तू मुझे चिल पिल पेल रहा है, मैं कैसे रिलैक्स करूं? सही कहा अंकल आपने, भाभी जी तो किसी पंछी को पिंजरे में देख के एकदम परेशान हो जाती थी, अब अपने आप को जेल में देखेंगी तो कैसा महसूस करेंगी? I'm missing Anu. क्या बका आपने? अंगूरी गोरी हम घर पे हैं का? तेरी और भैया। अरे दादा, आपको पता है अनु इस वक्त जेल में, फिर क्यों पूछ रहे हैं आप? हाउ हाउ पता है भैया, विभूति वो तो मन की तसल्ली के लाने बोल रहे थे, तो आप आज सुने शायद कौन कोनी से आ जाए मुस्कुराती भाई, वो तो मालूम है तो जेल में है। ये सब तेरी वजह से हुआ है हवलदार। अंकल ये तो वैसे हमारी नौकरी की आफत आ गई है, नौकरी जान पर बनी है आपको, हवलदार तो ना कहो तो दरोगा है दरोगा। वो सब छोड़ी, ये बताइए कि भाभी जी और अंगूरी को जेल से बाहर निकालने का कोई जुगाड़ किया आपने? हाँ हाँ, अरे भैया तिवारी बहुत बढ़िया, अरे यार वही खिलाने तो आए थे जी, बट हवलदार का है, सुनो भैया विभूति कमाल को मतलब बहुत बढ़िया जुगाड़ है, वो कहा है सोचो जेल में औरतन वाली जो बैरक है ना, वह बैरक से एक सुरंग निकल के आदमियन वाले बैरक से होती भाई, वो जो हाँ किचन है खाना बनते हुए खटखट खट वहाँ से भाई होती भाई, वो कहाँ निकलती है? गंदे नाले के पास निकलती। कैसी गई? मैं सोच रहे लूहो गरम है, मार दू हथौड़ो। मार हथौड़ा मार। ओह ओह गॉड, हे भगवान, ओह गॉड मेरा सर फट रहा है, ओह गॉड गॉड गॉड, ओह इतनी घटिया शायरी सुनाई उस मेट्रन ने, मेरा तो दिमाग फट रहा है, दिमाग घूम गया मेरा, इतनी घटिया शायरी। घटिया? ओ जो शायरी सुना रही थी उसका घटिया थी? और लेकिन हमको तो कुछ समझ ही ना आया, हमको तो लगा बहुत अच्छा शायरी सुना रही है, उसके लिए हमको बोल भी दिए मर बेहया। ठीक ही बोला ना आपने, उस बेहया को तो मर जाना चाहिए, इतनी घटिया शायरी सुनाई है। और पता है मैंने तो एक बात और भी पता लगाई है। क्या बात? यही कि कैदी जो हैं वो बर्फ की सिल्ली पर लेटकर बेल्ट से मार खाना पसंद करते हैं, लेकिन उस मेटन की शायरी नहीं सुन सकते। क्या बात कर रहे हैं? और क्या, अगर मैं आपकी शायरी की तुलना उस मेटन की शायरी से करूं तो आप उसके सामने गालिब हैं। गालिब? हमका मिर्चा गालिब है। गुरुजी वो मिर्जा गालिब होता है। सही पकड़े हैं ये बात पर ना, हमको एक तो शेर आ रहा है बहुत जोर से। आज आप सुनाई दीजिए अंगूरी जी, मुझे पूरा यकीन है कि उसके शेर से तो बेहतर ही होगा। हाँ ठीक बा, तो कर्ज किए हैं? आप अर्ज किया है करना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। हाँ तो सुनाते हैं। हाँ, कनस्तर के ऊपर कनस्तर, कनस्तर पे बैठा क्रेज गेल, लेना एक ना देना दो, मुफ्त में पहुंच गए जेल। वाह वाह अंगूरी जी, आपका शेर सुनकर ना मुझे सुकून मिल रहा है। हाँ तो और सुकून देते हैं आपको, एक तो और सुनाते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं इतना भी अच्छा नहीं था।
छोड़िए ना, ये सोचिए कि इस जेल से बाहर कैसे जाएंगे। ए लड़की, मैं निकालूंगी तुम दोनों को इस जेल से बाहर। क्या क्या कहा आपने? ऊंचा सुनती हो क्या? मैंने कहा मैं निकालूंगी तुम दोनों को इस जेल से बाहर। लेकिन कैसे? पिछले 40 साल से मैं एक सुरंग बना रही हूँ इस जेल से बाहर निकलने के लिए, जो बन गई है। आपने तो अपनी सुरंग बना ली? हाँ, बन गई है। हाँ, तो फिर आप काहे हो सुरंग से भाग नहीं जाती हैं? अब क्या कर, सुरंग बनाई तो थी जेल से फरार होने के लिए, पर फरार हो ना पाई। संतरी के प्यार में गिरफ्तार जो हो गई हूँ। तो अब क्या करेंगी? रहूंगी इसी जेल में जिंदगी भर के लिए अपने संतरी संतराम के साथ। तुम दोनों चाहे तो भाग सकती हो यहाँ से।